नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में लगाए जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। एम्स गोरखपुर में ऑडिटोरियम व नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। कहा, अपने क्षेत्र में कुछ नया करते रहने का प्रयास करें चिकित्सक। इनोवेशन और रिसर्च ही है योग्यता का आधार। सिर्फ डिग्री हासिल करना ही नहीं हो सकता है आपका उद्देश्य। पांचवी मुहर्रम पर कड़ी सुरक्षा के बीच इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी अदनान फर्रुख अली शाह उर्फ मियां साहब के नेतृत्व में धूमधाम से निकाला गया शाही जुलूस। सभी धर्मों के लोगों के द्वारा फूल मालाओं व पुष्प वर्षा के साथ किया गया भव्य स्वागत। इमामबाड़ा स्टेट से निकलकर जुलूस बक्सीपुर अली नगर करबला मैदान सहित विभिन्न मोहल्ले से होते हुए वापस इमामबाड़ा स्टेट पर हुआ समाप्त। मियां साहब ने सभी को दिया धन्यवाद। गोरखपुर से युवाओं के सेवा योजन की नई व बड़ी लकीर खींच के सीएम योगी। 121 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने लिया 20,000 से अधिक युवाओं का साक्षात्कार। 5,163 युवाओं को योग्यता के आधार पर मिली ऑन द स्पॉट नियुक्ति। मतदाता सूची में आधार नंबर दर्ज कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सभी अधिकारियों को किया निर्देशित। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम फाइनेंस ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा, मतदाता सूची में डुप्लीकेट नामों को हटाने के लिए है महत्वपूर्ण। इमामबाड़ा स्टेज का पांचवे मुहर्रम का शाही जुलूस कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल हुआ संपन्न। एसपी सिटी ने कहा, चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएससी व एसएसबी जवानों की लगाई गई थी ड्यूटी। जुलूस की ड्रोन से भी की गई निगरानी। विश्व स्तन 5 सप्ताह के अंतर्गत जिला महिला चिकित्सालय में एक दिवसीय गोष्ठी का किया गया आयोजन। सीएमओ ने कहा, जन्म के 1 घंटे के भीतर मां का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए होता है वरदान। बच्चे को 6 माह तक मां का ही पिलाएं दूध। किसान सम्मान निधि का डाटा कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है वेरिफिकेशन। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, सभी किसान अपने लेखपाल से कर ले संपर्क, दिखाएं अपने खतौनी में डाटा संख्या, किसान है तो जारी रहेगी किसान सम्मान निधि। पुलिस ऑफिस कार्यालय कलेक्ट्रेट कचहरी से पुराने आरटीओ कार्यालय में हुआ शिफ्ट। एसपी सिटी ने कहा, कोई भी फरियादी पुराने आरटीओ कार्यालय में आकर अधिकारियों से बता सकता है अपनी समस्या, समस्या का होगा समाधान। और 1 लाख लोग एक साथ हाथ में तिरंगा लेकर गाएंगे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। स्वतंत्रता दिवस पर नौकायन पर जीडीए के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का किया जा रहा है आयोजन। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाया। आपको बता दें कि जनता दरबार में सैकड़ों की संख्या में फरियादी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याओं को बारीकी से सुना तथा समस्याओं के निस्तारण के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। चाहते हैं ना, और उस तरह के स्टूडेंट बनवा लीजिए ना, उस तरह बनवा करते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ डिग्री हासिल कर लेने से चिकित्सक का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। डिग्री हासिल करने के बाद आगे विशाल संभावनाओं वाला क्षेत्र है, जहां चिकित्सक समाज हित में बहुत कुछ नया कर सकते हैं। सीएम योगी गुरुवार सुबह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर में नवनिर्मित ऑडिटोरियम व नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल का उद्घाटन करने के बाद यहाँ तम्बाकू नियंत्रण विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर मरीज डॉक्टर के लिए रिसर्च का भी विषय होता है। एक डॉक्टर यदि एक वर्ष ओपीडी में मरीजों को देखता है, मरीजों को सलाह देता है, तो इसके जरिए उसे एक नया व व्यवहारिक पब्लिकेशन प्राप्त हो जाता है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया करने का भी प्रयास करें। इनोवेशन और रिसर्च ही योग्यता का आधार है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दी है। सीएम योगी ने इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए लंबे समय तक अभिशाप बनी रही इंसेफ्लाइटिस का जिक्र करते हुए कहा कि 1977-78 में आई इस बीमारी से 40 साल में 50,000 बच्चों की मौत हो गई, पर 40 साल में इस पर एक भी रिसर्च पेपर देखने को नहीं मिला। हद तो इस बात की भी रही कि जापान ने इंसेफ्लाइटिस के लिए वैक्सीन 1906 में बना लिया था, लेकिन भारत में यह उपलब्ध हुई 100 साल बाद 2006 में, जबकि कोरोना काल में महज 9 माह में पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश में 2 स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो गई है। यही नहीं, देश में कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज दी जा चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में जब वह मुख्यमंत्री बने तो उनके सामने इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने की चुनौती थी। इसके पहले जब वह सांसद थे तो सदन में मुद्दे उठाते थे, सड़कों पर आंदोलन करते थे। उन्होंने कहा कि इंसेफ्लाइटिस पर जारी संघर्ष के कारण ही पीएम मोदी ने गोरखपुर को एम्स दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सीएससी, पीएससी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं तो सुदृढ़ की गई हैं। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को नोडल बनाकर 9 विभागों को एक साथ जोड़ा। स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, जागरूकता के माध्यम से बचाव पक्ष को भी इलाज जितना ही महत्वपूर्ण माना। समन्वित प्रयासों का परिणाम है कि 4 साल में ही इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों में 95% तक कमी आ चुकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। 2 साल कोरोना से प्रभावित नहीं होते तो इंसेफ्लाइटिस का पूर्ण उन्मूलन कर लिया गया होता। सीएम योगी ने कहा कि यद्यपि मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है, फिर भी उपचार से महत्वपूर्ण पक्ष बचाव का होता है। तंबाकू के सेवन व धूम्रपान से होने वाले नुकसान को सभी जानते हैं। धूम्रपान का हानिकारक असर संगत वालों को भी होता है। तंबाकू के उत्पादों पर उसके खतरों के बारे में लिखित व चित्रित उल्लेख होने के बावजूद लोग इसका सेवन कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि तंबाकू के खतरों से बचाव में डॉक्टरों की बड़ी भूमिका हो सकती है। चिकित्सक उनके यहाँ आने वाले हर मरीज को इसके प्रति जागरूक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मरीज आपके पास आए तो उसे तंबाकू से बचने के लिए प्रेरित करिए। सीएम योगी ने कहा कि तंबाकू किसी प्रकार का हो खतरनाक होता है। इसके नियंत्रण को लेकर एम्स ने जो भी अभियान शुरू किया है उसमें राज्य सरकार अपना पूरा सहयोग देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में किसी भी तरह के तंबाकू के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। कोई इसका उल्लंघन करेगा तो दंड का भागी होगा। उन्होंने 5 वर्ष पूर्व सचिवालय भ्रमण का वाक्य बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वह पहली बार सचिवालय का जायजा लेने निकले तो वहां जगह जगह गुटखा पान खाकर थूका हुआ मिला। तभी उन्होंने यह फैसला किया था कि सरकारी कार्यालयों में तंबाकू सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा।
इस अवसर पर एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर सुरेखा किशोर, प्रोफेसर अशोक प्रसाद, प्रोफेसर बीएस गर्ग, वंदना शाह, डॉक्टर ओम प्रकाश बेरा आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चेयर ऑफ प्रोग्राम एडवाइजरी कमिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और कोचेयर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ICMR डॉक्टर सुनीला गर्ग एवं एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा। आगे हट जाओ, वही वही पीछे 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 उधर उधर चलो, उधर उस साइड, उस साइड जाओ, आगे चलो भैया, आगे सब मत जाओ, आगे मत जाओ, हट जाओ भाई साहब, भाई साहब थोड़ा सा थोड़ा सा आगे बढ़ो, हां हां चलिए 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 अब हम चलिए बड़ी हमको जाना दीजिए, हम बंदा आएगा अमिना भाई गर्मा आ गया कैमरा बंद कर दो पीछे और थोड़ी भाई ये सर यूएसए से पीछे आइए पीछे आगे ले ले पीछे आ रहा है अरे ये अरे हो पड़ेगा तुम थोड़ा पीछे आ जाओ थोड़ा पीछे भैया पीछे बेस बेस यहां से एम्स ने उपलब्ध कराए ये स्टाफ इसमें तो नियुक्त होंगे, यहाँ पे ये लोग डेटा कलेक्ट और उसके ऊपर रिसर्च ला के डेटा कलेक्ट करके कर भैया कैमरा तो आप सभी से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, हमारे सभी माननीय वंदना पाटिल, प्रोफेसर डॉक्टर बी एस पाटवर, प्रोफेसर डॉक्टर सुनीला गर्गी, डॉक्टर ओम प्रकाश बेरावकर, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा किशोर मैम, हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों से सुस्वागतम सुस्वागतम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर परिवार की तरफ से मैं डॉक्टर चारुशीला और मैं डॉक्टर अमित और पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको केयर के लिए सेंटर का उद्घाटन और दूसरा इस अत्याधुनिक सभागार जिसमें आप अभी सब बैठे हैं उसका अनावरण हम सभी के लिए सौभाग्य से हो रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारी आदरणीय कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर जी से अनुरोध करते हैं कि वो वंदना शाह जी का स्वागत करें। वंदना शाह मैम टोबैको फ्री किड्स के साउथ प्रोफेसर डॉक्टर शिखा सिंह मैडम, इसके उपरांत हम अनुरोध करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर महिमा मित्तल मैम से कि वो आगे आए और हमारे एल गोरखपुर के ही इंस्टीट्यूशनल बॉडी के सम्माननीय सदस्य हैं। महिमा मित्तल मैडम को पुनः अनुरोध करते हैं कि वो डॉक्टर ओम प्रकाश बेरा जी सर का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर करें। हर कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन से ही तो होती है, जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप भी माननीय विशिष्ट अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करते हैं।
और इनके आशीर्वाद से ही हम सभी जानते हैं कि एम्स को लाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था, और साथ ही साथ शायद आज का ये कार्यक्रम सफल ना होता अगर उनका इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, ये हम उनसे अपेक्षा करते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव ये 75वीं वर्षगांठ के दौरान आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने नव निर्मित सभागार नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल और इंटरनेशनल डेलिब्रेशन का उद्घाटन करके अपने कर कमलों द्वारा जो किया है उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप सभी को कि यह सभागार 500 लोगों के बैठने की क्षमता रखता है तथा उच्च स्तरीय उपकरण से लैस है। नेशनल सेंटर जो NCPRTC है भारत में तंबाकू समस्याओं का खत्म करने में एम्स की पहल है और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मिलकर कार्य करेंगे। इंटरनेशनल डेलिब्रेशन है हमारी जो आज हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं और 5 और 6 तारीख को हमारी इंटरनेशनल डेलिब्रेशन रहेगी जिसमें देश भर के विशेषज्ञों का अकेडमिक रिसर्च और शोधकर्ताओं का एक सम्मेलन होगा और साथ में मिलकर हम कुछ धूम्रपान मुक्त नीतियों को बनाने में उसमें योगदान देंगे जिससे हमारा उत्तर प्रदेश और भारत पूर्ण रूप से तंबाकू मुक्त हो सके। हमारे निमंत्रण को हमारे मुख्यमंत्री जी ने आप सभी लोगों ने स्वीकारा, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से एम्स परिवार की तरफ से मैं डॉक्टर सुरेखा किशोर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करना चाहती हूँ। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी ये असली जमीन पाना तो बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोड़ना आसमान बाकी है। आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश and chief guest of the program today, Dr. Sulekha Kishore. कुछ शब्द बोलने का मुझे मौका मिला है और जब यहाँ पे हम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का टोबैको कंट्रोल की जब हम शुरुआत कर रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार में हमारे पास में कोटपा है, कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रिवेंशन एक्ट, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए सभी लोगों को कि केवल टोबैको कंट्रोल ही ऐसा प्रोग्राम है जिस एम्स गोरखपुर के नवनिर्मित ऑडिटोरियम के उद्घाटन का नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल के आज के इस उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर वंदना शाह जी, प्रोफेसर बीएस गर्ग जी, प्रोफेसर अशोक प्रसाद जी, प्रोफेसर सुनीता गर्ग जी, प्रोफेसर ओम प्रकाश बेहरा जी, एम्स गोरखपुर के सभी फैकल्टी मेंबर्स, हमारे सभी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण, एम्स गोरखपुर के सभी स्टूडेंट्स और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं एम्स प्रशासन को आज के इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस नवनिर्मित ऑडिटोरियम के लिए सबसे पहले बधाई देता हूं और डायरेक्टर एम्स प्रोफेसर सुरेखा किशोर जी को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उपयोग सबसे पहले टोबैको कंट्रोल के लिए होने वाले किसी एक इंटरनेशनल सेमिनार के लिए ही किया है और इससे पूरा एम्स प्रशासन अभिनंदन का पात्र है। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। हम सब जानते हैं
कि मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है, लेकिन एक जो बात हम सबको सदैव बताई जाती रही है कि बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण पक्ष बचाव का होता है, और बचाव का जो ये पक्ष है यह हम सबको आज के इस नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ता है। हर व्यक्ति जानता है और हम लोग बचपन से भी इस बात को सुनते रहे हैं कि तंबाकू से किस किस प्रकार की बीमारी होती है, या धूम्रपान से, या टोबैको किसी भी प्रकार का हो, वह मनुष्य के लिए हानिकारक है। जो सेवन कर रहा है उसके लिए तो हानिकारक है ही, लेकिन जो स्वयं सेवन नहीं कर रहा है लेकिन ऐसे व्यक्ति के संगत में है, तो धूम्रपान से होने वाले नुकसान से वह व्यक्ति अपने आप को बचा नहीं सकता। और इससे अवेयरनेस के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। आप देखते होंगे जितने भी इस प्रकार के बीड़ी है, सिगरेट है या तंबाकू है, उन सब में लिखा भी जाता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसमें उस प्रकार के चित्र भी बनाए जाते हैं। उस सब के बावजूद लोग उसका सेवन करते हैं। और हम सब का ये मानना है कि सब के बावजूद यह पक्ष अवेयरनेस का ज्यादा है, कानून पक्ष इसका कम, और इसके माध्यम से जागरूकता के माध्यम से हम अधिक से अधिक जनमानस को इसके साथ जोड़ करके और उन्हें किसी भी प्रकार के तंबाकू के सेवन के प्रति जागरूक करके होने वाले किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए एक बड़ा अभियान अपने हाथों में लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा प्रोफेसर वंदना शाह को, जिन्होंने 5 वर्ष पहले की उस घटना का जिक्र किया जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और मैंने उत्तर प्रदेश सचिवालय के कुछ भवनों का निरीक्षण किया था। मैंने देखा था कि वहां पे गुटखा पान खाकर के लोगों ने जगह जगह कोनों कोनों में थूका हुआ था, गंदगी का ढेर था, और मैंने उस समय उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े भी किसी भी सरकारी कार्यालय में तंबाकू या उससे जुड़े हुए किसी भी ऐसे उत्पाद को पूरी तरह प्रतिबंधित किया था और कहा था कि इस प्रकार का कोई भी उत्पाद उत्तर प्रदेश शासन के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कार्यालयों में कोई उपयोग नहीं करेगा, और करेगा तो फिर उसके लिए सरकार उसको दंडित करेगी। और उस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने 5 वर्ष पहले प्रदेश में लागू की थी, जो सफलतापूर्वक आज भी चल रही है। लेकिन इसमें बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, और एम्स गोरखपुर इसकी अगुवाई कर रहा है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट इसके साथ जुड़ेंगे, मेडिकल फैकल्टी इसके साथ जुड़ेगी, वह इसलिए महत्वपूर्ण है। एक समय हम लोग देखते थे सिगरेट के डिबिया में लिखा रहता था कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मैं देखता था कि उस समय बड़े बड़े डॉक्टर भी सिगरेट की कस सबसे ज्यादा लगाते थे और अपने ओपीडी में पीते थे, पेशेंट उनके सामने बैठा है लेकिन वह सिगरेट की कस लगाते थे। अब तो आपने देखा होगा सरकार ने फिल्मों में विज्ञापनों पर भी इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं कि कहीं भी कोई ऐसा दृश्य नहीं होना चाहिए जो किसी भी प्रकार से इस प्रकार के किसी कृत्य को प्रोत्साहित कर पाओ। दूसरा, एम्स गोरखपुर की दृष्टि से या मेडिकल के क्षेत्र को जो लोग अपनी स्वयं के स्वावलंबन का आधार बनाना चाहते हैं, इसके माध्यम से सेवा किस क्षेत्र को चुनना चाहते हैं, उनके लिए पक्ष और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि हम लोगों ने कभी भी, हम लोग देखते हैं और अक्सर आपके साथ भी ये जुड़ा होगा कि आप लोग कार्य करते हैं अपने पाठ्यक्रम तक सीमित रह जाते हैं,
और आपका प्रयास होता है कि आप अपने पाठ्यक्रम में अच्छे अंक प्राप्त करें, आपको अच्छे अंकों से आपकी यूजी की डिग्री मिले, फिर आप पीजी करें, फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी में आप किसी एक धारा को लेकर के आगे बढ़कर के अच्छे चिकित्सक के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त कर लें। जो परंपरागत है केवल आप उसी को लेकर के चल रहे हैं, अपने स्तर पर कुछ नया ऐड करने का प्रयास ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। और मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा आपके पास उस प्रकार की संभावना है। एक चिकित्सक अगर एक वर्ष तक अपनी ओपीडी में बैठता है तो उसके लिए एक नया पब्लिकेशन उस ओपीडी के माध्यम से ही प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक पेशेंट को दी जाने वाली उसकी सलाह और उस पेशेंट के प्रत्येक लक्षण आपके लिए एक नया रिसर्च पेपर भी तैयार करते हैं। और इस पर कभी भी ध्यान देने का प्रयास बहुत कम हो पाता है, बहुत कम ही हो पाता है। और मैं कहूंगा इस बात को, यह हम सबका सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दिया है। और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन सभी बातों को समाहित करने का भरपूर प्रयास किया गया है। हम लोग इनोवेशन को कैसे जन्म दे सकते हैं, हमारा रिसर्च क्या है, यह आपकी योग्यता का आधार बनेगा और उसी प्रकार से आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं इस बात को देखता था, आप गोरखपुर में हैं और एम्स गोरखपुर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से विगत वर्ष हुआ है। इससे पहले यहां पर आपकी यूजी की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी थी, तब भी मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था। यहां पर जो पुराने फैकल्टी मेंबर्स हैं आपके एम्स गोरखपुर और गोरखपुर से जो जुड़े हैं वे इस बात को जानते हैं। देखिए आज भी हम लोग कहां और किस रूप में जीने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ी वैसी स्थितियां हैं। इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के 38 जनपद ऐसे थे जहां पर 1977-78 में एक बीमारी आई थी मस्तिष्क ज्वर की, इंसेफ्लाइटिस की, और 40 वर्षों में इस बीमारी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। मैंने इस पर बहुत ढूंढने का प्रयास किया लेकिन 40 वर्षों में एक भी रिसर्च पेपर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस पे नहीं लिखा गया। 50,000 बच्चों की मौत हो जाती है, कोई उस पर काम नहीं कर पाया। गाड़ी मेडिकल कॉलेज में उपचार होता था, अच्छा उपचार होता था, पूरा प्रयास करते थे, संसाधनों का अभाव था, वो सब के बावजूद होता था। लेकिन मैं जिस भी पीडियाट्रिशियन से मिला, 1 से 15 वर्ष तक के बच्चे ज्यादातर मरने वाले थे। मैं जिससे बात करता था कि भाई इसमें कुछ हुआ, वो केवल कुछ जानकारियां थी और उससे भी ज्यादा अंधेर गर्दी कहां थी। जापान ने वैक्सीन बना लिया था 1906 में और भारत में वैक्सीन आया 2006 में, 100 साल के बाद। कोरोना महामारी में आपने देखा होगा 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से देश ने 2-2 स्वदेशी वैक्सीन बना दी। और भारत के अंदर 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेस अब तक लग चुकी हैं। अगर हमने डिग्री ली है इसका मतलब हमारा कार्य समाप्त नहीं हो जाता है, हमारे लिए विशाल क्षेत्र खुला हुआ है जहां पर हम इस रिसर्च की संभावना को आगे बढ़ा सकते हैं। और हर पेशेंट, याद रखना, आप भले जो आधुनिक जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसमें इस बात को महत्व नहीं दिया जाता है,
लेकिन आप आयुष के उसमें थोड़ा जाके देखेंगे तो उपचार की पद्धति व्यक्ति की प्रकृति पे भी निर्भर करता है, वह किस प्रकृति का है, उसी प्रकार की उपचार की पद्धति उसके लिए आवश्यक होती है। और मुझे लगता है कि टेबेको कंट्रोल के लिए भी जो अभियान चल रहा है, इस अभियान को जागरूकता के साथ साथ इसे बृहद पैमाने पर हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, इसके तह में जाने की आवश्यकता भी है। एक बार आप लोगों ने अपने हाथों में इसको ले लिया, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है और कोई इतना प्रतिष्ठित संस्थान जब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से एक कॉमन मैन उस पर विश्वास करेगा। मंचों से कोई भाषण कर रहा है कितना विश्वास होता है नहीं कहा जाता, लेकिन एक चौक चिकित्सक किसी व्यक्ति को बोलेगा कि भाई तुम्हारी बीमारी का कारण ये है, तुम्हारे कैंसर का कारण ये है, तुम्हें होने वाली ये परेशानी के पीछे ये कारण है, और अगर आप इससे मुक्ति चाहते हैं तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, आपको बकायदा इसके लिए अपील भी जारी करनी होगी कि देखिए मेरी ये दुर्गति हो चुकी है, अगर आप अपने को इस दुर्गति से बचाना चाहते हैं तो आप भी इससे मुक्त बनी रखिए रहिए। एक बड़ा कार्यक्रम हो सकता है इसमें, और मुझे लगता है इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। मुझे आप सबको बताते हुए, जब 2017 में मुझे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया तो मेरे सामने सबसे बड़ी चैलेंज थी, क्योंकि इससे पहले मैं सांसद था तो मेरे लिए आसान था कि मैं मुद्दों को उठाता था, और जब मुद्दों को उठाते उठाते कहीं कोई ऐसी स्थिति होती थी तो सड़कों पे आंदोलन करता था। लेकिन अब मेरे ऊपर ही था, मैं किसको ब्लेम करूंगा, क्योंकि तब तक तो प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर एम्स का भी सलाह नहीं, एम्स गोरखपुर के पीछे भी मुझे केवल इंसेफ्लाइटिस के कारण एम्स गोरखपुर मिला था, याद रखना, इंसेफ्लाइटिस के कारण ही पीएम साहब ने गोरखपुर को एम्स भी दिया कि एम्स के माध्यम से यहां पर एक नया रिसर्च सेंटर स्थापित होगा और उपचार की बेहतर संभावनाएं बनेंगी। लेकिन अब दायित्व तो मेरे ऊपर ही था तो मैं किसको बोलूं, लेकिन मैं लगभग 20-21 वर्षों तक जो आंदोलन किया था, संसद में जिस मुद्दे को मैं रखता था, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि उपचार से महत्वपूर्ण इसमें बचाव हो सकता है, लेकिन हमने उपचार के पक्ष को नजरअंदाज नहीं किया। आप देखें गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, वायरल रिसर्च का देश के किसी भी मेडिकल सेंटर में या मेडिकल कॉलेज में एकमात्र रीजनल सेंटर गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है। हम लोग वहां पे सुपर स्पेशलिटी का भी ब्लॉक बना चुके हैं, हम लोग वहां पर वे हर संभावनाएं दे चुके थे जो इसके उपचार की व्यवस्था को ठीक कर सकता था। फिर गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सीएससी में पीको और मिनी पीको का निर्माण कार्य भी हम कर चुके थे। हम लोगों ने इसके बाद निचले स्तर पर इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के सेंटर भी स्थापित किए, सर्विलांस को मजबूत किया, लेकिन इस सब के बावजूद हमें था कि नहीं, अभी भी हमें इस पर विचार करना चाहिए कि उपचार से महत्वपूर्ण बचाव हो सकता है। तो मैंने उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए लगभग 9 विभागों को एक साथ जोड़ करके उन सब के जितने भी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी थे, उन सबको मैंने जिम्मेदारी दी कि भाई देखो इसमें स्वच्छता एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा, उन क्षेत्रों को चिन्हित करिए जहां पर इंसेफ्लाइटिस के मरीज आते हैं और वहां पर हर घर में टॉयलेट हो, स्वच्छता के अभियान को विशेष महत्व दो, उन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, वहां पर स्कूली बच्चों को हम स्वच्छता के प्रति जागरूक करें, उन क्षेत्रों में हम लोगों को सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को एक स्तर पर आगे बढ़ाना है,
हमने वहां पर कुपोषण के खिलाफ भी एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया। महिला विकास और बाल विकास और पोषाहार विभाग को भी इसके साथ जोड़ा गया, दिव्यांगजन कल्याण विभाग को भी इसके साथ जोड़ा, लगभग 9 विभागों को जोड़ करके और स्वास्थ्य विभाग को उसका नोडल विभाग बना करके अभियान सामूहिक रूप से चला। और इसमें हम लोगों ने यूनिसेफ की मदद ली, WHO की मदद ली, 5 जैसी संस्थाओं को इसके साथ जोड़ा और 4 वर्ष के अंदर ही परिणाम आ गया कि 4 वर्ष में हम लोगों ने 95% मौतों को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर। पंद्रह जुलाई के बाद से प्रारंभ होता था और इस समय कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब गोरखपुर के ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में 10 मौतें, 20 मौतें, 25 मौतें एक दिन एक छत के नीचे बच्चों की ना होती रही हो। और ये लगभग नवंबर तक ये सिलसिला चलता था। अकेले ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में भी 500-600 मौतें हर वर्ष होती थी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अलग है, जो व्यक्ति हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाया उसकी अलग है। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। लेकिन आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर के कैंपेन चलाया, एक अभियान चलाया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस आज पर प्रभावी नियंत्रण की स्थिति में हम लोग हैं। और कोरोना के बीच में 2 वर्षों का ये चुनौती हमारे सामने नहीं होती तो अब तक हम लोग इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह नियंत्रित करके इसका उन्मूलन भी कर चुके होते हैं। और हमें विश्वास है कि हम जागरूकता के माध्यम से हमने कहीं कोई कमी किसी भी स्तर पर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी अवेयरनेस का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। कोई बच्चा गांव में बीमार हुआ, परिवार कुछ भी कहे, लेकिन उस बच्चे को और उसकी माँ को लेकर के हम सरकारी एम्बुलेंस से तत्काल इंसेफ्लाइटिस सेंटर तक हमारी जो आशा वर्कर है वह उससे को लेकर के पहुंच जाती। अभी भी अभियान चल रहा है, गांव गांव में अभियान चल रहा है। ऐसे तंबाकू के बारे में भी हम कर सकते हैं और मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने FDA को पहले ही इसके बारे में निर्देश दिए हैं और हम लोग इस पर राज्य सरकार इस पूरे अभियान के प्रति पूरा सकारात्मक रवैया अपनाते हुए अपना सहयोग देगी। और मैं एम्स गोरखपुर से कहूंगा कि इस कैंपेन को मजबूती के साथ अपने आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे हम तंबाकू के सेवन से होने वाली तंबाकू किसी भी प्रकार का हो उसके सेवन से होने वाली किसी भी प्रकार की कैजुअल्टी को रोकने में हमें मदद मिल सके। मैं एक बार फिर से एम्स गोरखपुर के इस नवनिर्मित ऑडिटोरियम के लिए और टैबेको कंट्रोल के लिए इस नए सेंटर की स्थापना के लिए एम्स प्रशासन को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबसे आग्रह करूंगा कि यह देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव 25 वर्षों की एक नई कार्य योजना के साथ, जब 25 वर्ष के बाद देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस कार्य योजना के साथ हमें जुड़ना होगा। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा के अभियान के साथ हम सब जुड़े और आजादी की उन सभी अमर सपूतों को जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ निछावर किया था, उन सब का हम अपने घर में तिरंगा लगा करके सम्मान भी करें। एक बार फिर से एम्स प्रशासन को इस अभिनव अभियान के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। काफी चेंज आपको नजर आ रहा होगा।
इधर के आप फर्स्ट से बस गए। और हमारे इंस्टीट्यूट की आदरणीय डॉक्टर सुनीला गर्ग हूँ, चेयर ऑफ प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और साथ ही साथ मैं प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस हूँ कम्युनिटी मेडिसिन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की और को चेयर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च आईसीएमआर। मैं तम्बाकू कंट्रोल के प्रोग्राम में ये कहना चाहूँगी, तो सबसे पहले तो आपको ये समझने वाली बात है कि विश्व में तम्बाकू कंट्रोल का पहला एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए हमारे पास में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल बनाया है, परंतु हमारा देश पीछे नहीं रहा। 2007 से हमारे पास में कोटपा है, कंजम्पशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, तो इसको लागू करने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे पास में एक पॉलिसी सेंटर हो, जिसकी शुरुआत हमारे पास में गोरखपुर से हुई है और स्वयं खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इससे टोबैको के होने वाले जितने दुष्परिणाम हैं बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, हम देखते हैं अकस्मात कई मौतें हो जाती हैं, तो ये बेसिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। और विश्व में भारत एक दूसरा देश है जिसमें टोबैको का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है, तो इस मामले में तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये सेंटर हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और हम विश्व को बताएंगे अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस के द्वारा किस प्रकार से टोबैको के ऊपर हम इजाद पा सकते हैं। आज का जो ऑडिटोरियम का उद्घाटन का समारोह जो है, इसको आप जैसे जानते हैं कि उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया है और हमको बहुत खुशी हुई कि उन्होंने काफ़ी अपना समय दिया और हर चीज़ एक एक करके देखी अच्छे से। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये 500 सीटिंग कैपेसिटी का हमारा ऑडिटोरियम बना है और ये सारे जितने भी नए उपकरण हैं जो एक ऑडियो विजुअल्स लगते हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं, साथ ही साथ इसमें मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल है, एक मीटिंग रूम है और इस सब में जो है हम लोग कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वर्कशॉप सेमिनार्स ये सब करवा सकते हैं भविष्य जी। एक सेंटर था हमारा जो हमारा एकेडमिक ब्लॉक में है, ये सेंटर है पॉलिसी रिसर्च का सेंटर हम लोग बना रहे हैं और ये हमारे भारत में एक सबसे पहला सेंटर है जो हम गोरखपुर में बना रहे हैं और एक अपने ही तरीके का सेंटर है जिसमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोगों को बुलवा करके जो टोबैको कंट्रोल पे काम कर रहे हैं उनके साथ मिल करके पॉलिसीज बनाएंगे जिससे कि हम तंबाकू नियंत्रण के लिए, जिसमें उसके पदार्थ हैं स्मोकलेस टोबैको है, उसके जागरूकता भी करें और साथ ही साथ कुछ पॉलिसीज बनाएं जिससे हम इसका नियंत्रण कर सकें। क्या अपील करना चाहेंगे जनमानस से? हम यही अपील करना चाहेंगे कि जब आप स्मोक करते हैं या तंबाकू लेते हैं और स्मोकिंग करते हैं तो आपको पैसे आपके घर वाले भी उसमें इफ़ेक्ट होते हैं। दूसरा, जैसे हम कहते हैं कि आप हर साल 80,000 पेड़ काटे जाते हैं तम्बाकू के उत्पादन के लिए, ठीक है, या बीड़ी बनाने के लिए होता है या तम्बाकू से संबंधित जो भी पदार्थ बनते हैं। दूसरा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान ही है और कहीं ना कहीं जब कोई घर में बड़ा आदमी इसको यूज़ करता है तो छोटे बच्चों पे भी असर पड़ता है और ये किसी भी एंगल से आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत सारे गाँव में देखेंगे तम्बाकू जो स्मोकलेस टोबैको है ये प्रेगनेंट लेडीज़ भी यूज़ करती हैं जिससे उनकी गर्भ को भी खतरा होता है, तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कैंसर सभी को पता है लेकिन कैंसर खाली मुंह का नहीं है, आपके ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, स्टमक का कैंसर हो सकता है क्योंकि इसमें कार्सिनोजेंस होते हैं तत्व जो बॉडी में कहीं भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं और कैंसर पैदा कर सकते हैं। 5वें मुहर्रम का शाही जुलूस इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नसी अदनान फरुख अली शाह उर्फ मियाँ साहब के नेतृत्व में धूमधाम से निकाला गया। जुलूस निकलते ही मियाँ साहब का जगह जगह सभी धर्मों के लोगों द्वारा फूल मालाओं व पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया।
वहीं शांति के प्रतीक मियां साहब के स्वागत में जगह जगह सफेद कबूतर उड़ाए गए। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा उल्लास के साथ जगह जगह पर स्वागत किया गया। मियां साहब के शाही जुलूस में सबसे आगे इमामबाड़ा स्टेट का परचम, उसके बाद मियां साहब के निजी सुरक्षा गार्ड सफेद व आसमानी वर्दी में लंबी कतार के साथ चल रहे थे। जुलूस की शोभा कई अदद बैंड वादक व शहनाई वादक बढ़ा रहे थे। जुलूस में घुड़सवार भी आगे चल रहे थे। मियां साहब का जुलूस अपने निर्धारित मार्ग पर धीरे धीरे जुलूस आगे बढ़ा और इमामबाड़ा स्टेट से निकलकर बख्शीपुर, अलीनगर, करबला मैदान सहित विभिन्न मोहल्लों में होते हुए वापस इमामबाड़ा में समाप्त हुआ। मियां साहब ने सभी को धन्यवाद देते हुए अपील किया कि सभी लोग प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परंपरागत तरीके से शांतिपूर्वक कार्यक्रमों को करें। इस संबंध में दूरभाष पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य अदनान फरुख अली शाह उर्फ मियां साहब ने कहा, Thank you.
स्टेट का रिवायती परंपरागत कदीमी 350 साल पुराना जलूस है जो मियां साहब की कयादत। रिवायती जलूस में तमाम शहर गोरखपुर के लोग शामिल होते हैं बगैर जाति मजहब पंथ के देखे हुए, और अली नगर के चरण लाल चौराहे से नौजवान लड़कों ने स्टेज लगाया है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं कि जिस तरह से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इमाम हुसैन की याद में अगर जो ये जलूस ना निकले और इमाम हुसैन का नारा ना लगे तो दुनिया के अंदर इमाम हुसैन का जो मकसद था, जो पैगाम था, वो लोग भुला देंगे। उसी याद को ताजा रखने के लिए ये जलूस है हुसैनी उठता था अल्लाह। सुजलूस है परंपरागत इमामबाड़ा स्टेट के सैयद अदनान फारूख अली शाह मियां साहब की कयादत में आपके सामने से गुजर रहा है। ये तारीख साज मौका है। इमामबाड़ा स्टेट सैयद इरशाद अहमद साहब की कयादत में आज हम लोग मियां साहब के इमामबाड़ा स्टेट के मुहर्रम के फातमी के इस जुलूस का खैर मकदम करते हैं। मैं शाकिर अली सलमानी इस्तकबाल करता हूँ मियां साहब के इस रिवायती परंपरागत जुलूस का। तमाम शहर गोरखपुर के लोगों की जानिब से इमामबाड़ा स्टेट मियां साहब के इस रिवायती जुलूस को हम सलाम करते हैं। इमाम हुसैन की याद में नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम का दामन, इमाम हुसैन तेरा नाम पे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज पचपी का जुलूस अपने पूरे शान और शौकत से पूरे रिवायत के साथ परंपरा जो है पुरानी उसी के उससे निकला था जो इमामबाड़े से होकर के सारे मोहल्लों में जो वहां से गुजरता हुआ वापस अपने वापस अपने इमामबाड़े में आ गया। और कोरोना काल में 2 साल सारी दुनिया बंद थी और ये बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने कोरोना को मात दी है और फिर से हम लोग अपने अपने पर्व जो है वो अच्छे माहौल में मना रहे हैं। अब नवी बस्ती का है प्रोग्राम जो बड़ा जुलूस निकलता है, तो नवी का रात में निकलता है 9:30 बजे वहाँ बड़े परिसर से, और बस्ती का यही सेम टाइम है जो 5:00 वाला है। लोगों से अपील करना चाहेंगे? जी, यही अपील करना चाहेंगे कि बहुत प्रशासन का सहयोग करें और बहुत सुकून के साथ अमन और अमान को कायम रखते हुए और मुहर्रम पर्व को संपन्न करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खास मौजूदगी में बुधवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वृहद रोजगार मेला युवाओं के सेवा योजन की नई व बड़ी लकीर खींच गया। गोरखपुर में ऐसा पहली बार हुआ जब एक ही परिसर में युवाओं का चयन करने के लिए देश के तमाम नामचीन समूहों समेत 121 कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इन कंपनियों की तरफ से 20,000 से अधिक युवाओं का साक्षात कर लिया गया। सारी प्रक्रियाओं के बाद एक ही दिन में ऑन द स्पॉट 5,163 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी मिल गया। इस सफलता से उत्साहित सरकार अब हर जिले में इस तरह के रोजगार मेले आयोजित करेगी।
उल्लेखनीय है कि युवाओं को रोजगार की हर संभावना पर योगी सरकार की नजर रहती है। सरकारी नौकरी और स्वरोजगार की अनेक योजनाओं से नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में निजी क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाओं को विस्तार देने में रोजगार मेले बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। बुधवार को गोरखपुर में आयोजित वृहद रोजगार मेला इसकी तस्दीक भी करता है। इस मेले में एक ही दिन में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5000 से अधिक नौजवानों के करियर को नई दिशा मिली है। अब वे अपने घरों के कमाऊ पूत बन गए हैं। खास बात यह है कि वृहद रोजगार मेले में युवाओं का चयन कई प्रतिष्ठित कंपनियों में हुआ है। बड़ी कंपनियों में कार्य अनुभव इन युवाओं के भविष्य के लिए सुनहरा अध्याय सरीखा होगा। गोरखपुर के वृहद रोजगार मेले में कुल नियुक्तियों में 2500 से अधिक देश की बड़ी व मशहूर कंपनियों में हुई है। मोबाइल हैंडसेट निर्माता ओप्पो एवं मोटोरोला ने 650 युवाओं को नौकरी दी। ऑटोमोबाइल सेक्टर की विख्यात कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 240, फेई एम इंडस्ट्रीज ने 200, पेड ग्रेट इलेक्ट्रॉनिक ने 200, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने 162, एलएनटी समूह ने 130, जुबिक्सो प्राइवेट लिमिटेड ने 122, ओकाया पावर ने 104, पॉली मेडिकेयर ने 103, लार्स मेडिकेयर ने 100, गुड वर्कर ने 100 युवाओं का अंतिम चयन आकर्षक वेतन पर विभिन्न पदों पर किया है। इसके साथ ही हुंडई, डिक्सन, LIC व न्यू हॉलैंड जैसी कंपनियों ने भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपने साथ काम करने का अवसर दिया है। गोरखपुर के वृहद रोजगार मेले में नियुक्ता कंपनियों और नौजवानों के उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे रोजगार मेले हर जिले में आयोजित किए जाए। सरकार की इस पहल से युवाओं को रोजगार मिलने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। सूची में आधार नंबर दर्ज कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिन लोगों का मतदाता सूची में नाम दर्ज है उसमें अब आधार नंबर डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि यह काम आप अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर के द्वारा वोटर हेल्पलाइन ऐप्स डाउनलोड कर लें। डाउनलोड होने के बाद वोटर हेल्पलाइन ऑन करें, उसके बाद ईपिक नंबर और आधार नंबर डालना होगा। नंबर डालने के बाद यह एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, इससे जो मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम है वह डुप्लीकेट नहीं रह जाएगी। यदि कोई आधार नंबर नहीं देना चाहते हैं तो वह अपनी कोई आईडी नंबर दे सकते हैं, इससे आप सर्टिफाइड हो जाएंगे कि वास्तव में आप मतदाता सूची में शामिल हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और निर्वाचन में मैं डिप्टी डीओ भी हूं और आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर
जो आपकी मतदाता सूची है, अर्थात आपका नाम जो हमारी मतदाता सूची में दर्ज है, अब उसमें आपका आधार नंबर भी डाला जाएगा। यद्यपि यह स्वैच्छिक है, आप आधार नंबर अपना देना चाहें, अपनी इच्छा से देना चाहें, तो हमारे BLO हमारे और लोग इसको आपसे कलेक्ट कर लेंगे फॉर्म 6B पे। इसके अतिरिक्त यदि आप इसको स्वयं करना चाहें, एक बहुत ही आसान है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है प्ले स्टोर पे, आप उसको डाउनलोड कर लें। अपने सामने आप अपना EPIC कार्ड और आधार नंबर रख लें। आप जब भी उसको ओपन करेंगे वो EPIC नंबर मांगेगा और उसके बाद फिर आप आधार नंबर डाल देंगे, आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। मेरा अनुरोध है, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, इससे जो अभी मतदाता सूची में डुप्लीकेसी है वो डुप्लीकेसी नहीं रह जाएगी। यदि आप आधार नंबर नहीं देना चाहते तो आप कोई दूसरी ID भी अपनी दे सकते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई हो जाएं कि आप वास्तव में वही हैं जिनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में लगाए जनता दरबार फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। एम्स गोरखपुर में ऑडिटोरियम व नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल का CM योगी ने किया उद्घाटन। कहा, अपने क्षेत्र में कुछ नया करते रहने का प्रयास करें चिकित्सक। इनोवेशन और रिसर्च ही है योग्यता का आधार, सिर्फ डिग्री हासिल करना ही नहीं हो सकता है आपका उद्देश्य। पांचवी मुहर्रम का कड़ी सुरक्षा के बीच इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी अदनान फर्रुख अली शाह उर्फ मियां साहब के नेतृत्व में धूमधाम से निकाला गया शाही जुलूस। सभी धर्मों के लोगों के द्वारा फूल मालाओं व पुष्प वर्षा के साथ किया गया भव्य स्वागत। इमामबाड़ा स्टेट से निकलकर जुलूस बक्सीपुर अली नगर करबला मैदान सहित विभिन्न मोहल्ले से होते हुए वापस इमामबाड़ा स्टेट पर हुआ समाप्त। मियां साहब ने सभी को दिया धन्यवाद। गोरखपुर से युवाओं के सेवा योजन की नई व बड़ी लकीर खींच के CM योगी। 121 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने लिया 20,000 से अधिक युवाओं का साक्षात्कार। 5,163 युवाओं को योग्यता के आधार पर मिली ऑन द स्पॉट नियुक्ति। मतदाता सूची में आधार नंबर दर्ज कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सभी अधिकारियों को किया निर्देशित। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं ADM फाइनेंस ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा, मतदाता सूची में डुप्लीकेट नामों को हटाने के लिए है महत्वपूर्ण। इमामबाड़ा स्टेज का पांचवें मुहर्रम का शाही जुलूस कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल हुआ संपन्न। SPCT ने कहा, चप्पे चप्पे पर पुलिस, PSC व SSB जवानों की लगाई गई थी ड्यूटी, जुलूस की ड्रोन से भी की गई निगरानी। विश्व स्तन 5 सप्ताह के अंतर्गत जिला महिला चिकित्सालय में एक दिवसीय गोष्ठी का किया गया आयोजन। CMO ने कहा, जन्म के 1 घंटे के भीतर मां का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए होता है वरदान, बच्चे को 6 माह तक मां का ही पिलाएं दूध। किसान सम्मान निधि का डाटा कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है वेरिफिकेशन। ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, सभी किसान अपने लेखपाल से कर ले संपर्क, दिखाएं अपने खतौनी में गाटा संख्या, किसान है तो जारी रहेगी किसान सम्मान निधि। पुलिस ऑफिस कार्यालय कलेक्ट्रेट कचहरी से पुराने RTO कार्यालय में हुआ शिफ्ट। SPCT ने कहा, कोई भी फरियादी पुराने RTO कार्यालय में आकर अधिकारियों से बता सकता है अपनी समस्या, समस्या का होगा समाधान। और 1 लाख लोग एक साथ हाथ में तिरंगा लेकर गाएंगे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। स्वतंत्रता दिवस पर नौकायन पर ZDA के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का किया जा रहा है आयोजन। ZDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं
एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8833-59646। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905-844-992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इमामबाड़ा स्टेट का 5वें मुहर्रम का शाही जुलूस पुलिस व एसएसबी जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि गोरखपुर शहर का 5वां मुहर्रम का जुलूस जो कि मियां साहब की अध्यक्षता में निकाला गया, जो कि इमामबाड़ा से निकला और बक्सीपुर होते हुए अन्य जुलूसों के साथ मिलते हुए करबला के बाद वापस इमामबाड़ा में समाप्त हुआ, जिसको सकुशल संपन्न कराने के लिए एसएसबी पीएसी व पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसकी निगरानी ड्रोन द्वारा की गई, जो कि सकुशल संपन्न हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, शहर गोरखपुर में गोरखपुर के सबसे बड़े जुलूस मियां साहब के जुलूस जो 5वें मुहर्रम पे निकलता है, वो आज सुबह 9:45 इमामबाड़े के पूर्वी गेट से निकला है और यहाँ से ये बक्सीपुर होते हुए अन्य जुलूसों के साथ मिलता हुआ करबला के बाद में वापस इमामबाड़े में घुसेगा। और इस प्रोसेशन में ड्रोन द्वारा SSP PAC पुलिस बल तो इस तरह के तमाम फोर्स द्वारा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शांतिपूर्वक और बड़े हर्षोल्लास के साथ जुलूस पूरा होगा। थैंक यू। जिला महिला अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत एक दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं को संबोधित करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि बच्चे को जन्म के एक घंटे के भीतर मां अपना पहला गाढ़ा दूध अवश्य पिलाए, क्योंकि इसमें
कोलेस्ट्रम होता है जो बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। माँ का दूध बच्चे के लिए पहला टीका होता है। जन्म से 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान करवाना चाहिए। 6 माह से 2 साल की उम्र तक पूरक आहार देने के साथ साथ स्तनपान भी कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि माँ का दूध अमृत के तुल्य होता है, यह बच्चे को ताकतवर बनाता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार जिले में 3 साल से कम उम्र के महज 38.8% बच्चों ने ही जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान किया, जो कि चिंता का विषय है। इस व्यवहार को बदलना होगा। इसी सर्वेक्षण के मुताबिक 71.2% बच्चों ने 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान किया है। ऐसे व्यवहार को बढ़ावा देना होगा। स्तनपान का सही व्यवहार अपनाने वाली माताओं के बच्चों में आगे चलकर रक्त कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप का खतरा कम हो जाता है। माँ के दूध में कई प्रकार के प्राकृतिक और पौष्टिक तत्व होते हैं जो बच्चे को सुपोषित बनाते हैं। इससे शिशु का बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और माँ के साथ उसका भावनात्मक रिश्ता और भी मजबूत होता है। बच्चा जब स्तनपान शुरू करता है तभी दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है। स्तनपान का समुचित व्यवहार निमोनिया और डायरिया से बचाव करता है, जिससे शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। महिलाओं में स्तन कैंसर की समस्या से बचाव में स्तनपान की अहम भूमिका है। यह बच्चे को इन्फेक्शन से भी बचाता है। बच्चे को स्तनपान कराते समय माँ का हाथ साफ व सुथरा होना चाहिए और विशेष परिस्थितियों में स्तन से दूध निकाल कर भी स्तनपान कराया जाना चाहिए। इस अवसर पर महिला जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर एन के श्रीवास्तव, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के एन बर्नवाल, ARO SN शुक्ला, शालिनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, जिला महिला अधिकारियों का स्वागत है। इस संगोष्ठी में हमारे सर कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। जो IYCM पे लोग काम कर रहे हैं, इनकी टीम है जो शिशु की तुलना में माता को भी कम फायदे रहते हैं। माताओं का फायदा यह है कि खतरा रहता है, उसमें खर्च ज्यादा लगता है और वो और प्राकृतिक है। इसलिए विश्व स्तनपान दिवस जो है WHO ने जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता गया, जैसे जैसे हम आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ते चले गए, मानव जाति का विकास होता गया और उस विकास के साथ जो है हमारी माताएं भी हमसे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे जाने लगी। लेकिन पता नहीं कब कहाँ यह ध्यान की हो गई कि दूध पिलाने से हम कमजोर हो जाएंगे या हमारा कुछ शारीरिक चित करते हैं। इस पर जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक चिंता जाहिर की और उसके पश्चात उन्होंने एक संकल्प लिया कि प्रत्येक वर्ष अगस्त के प्रथम सप्ताह में हम विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाएंगे और उसमें हर जगह तमाम तरह की गोष्ठियाँ होंगी, तमाम तरह के विचार होंगे लोगों के द्वारा, जिससे कि हम पुनः जो हमारा नवजात शिशु जो हमारे भाग्य विधाता होता है उसके हम उस अधिकार से वंचित न हो। इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं गोरखपुर की पावन धरती पर। हम लोग यहाँ पर लोगों से आग्रह यही करेंगे कि माँ का दूध जो होता है अमृत होता है। माँ का प्रथम दूध जो होता है ये भरपूर विटामिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और सभी चीज़ों से भरपूर होता है और कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो यथाशीघ्र बाकी सब कुछ आप करते रहिए, इवन उसकी अम्बिलिकस कॉर्ड काटने के पहले काटते रहिएगा लेकिन उसको माँ के ब्रेस्ट से अवश्य लगा दीजिए। अगर इसीलिए बड़ी पुरानी कहावत है, थोड़ा सा आप लोग हंसेंगे भी, कहा जाता है कि अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरे सामने आओ। इसका मतलब है बलशाली व्यक्ति वही होता है जो अपनी माँ का दूध पिया होता है। समस्या होती है और वो क्या करती है, बच्चा माँ से दूध है या बच्चा कम वजन का है, तो हम कैसे माँ की मदद करें और
महिला पर, क्योंकि उसे पता नहीं कैसे निकालना है। इसको हमें इस तरह से करना है और इसको हमें पीछे की तरफ और फिर हल्का सा आगे की तरफ, पीछे की तरफ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो एरियोला में दूध भरा है वो आगे की तरफ आएगा और हम हल्का सा उसको प्रेस करते हैं तो बहुत तेजी से निकलता है। प्राइवेसी का यानी कि जहाँ भी ये करेंगे प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे, फैमिली के लोग और विदाउट बाहरी लोग नहीं होना चाहिए। अगर हॉस्पिटल में, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में पर डे से लेकर पर डे जरूरत पड़ती है, आप क्वार्टर लगा करके भी ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। जहाँ भी बैठा लेंगे माँ को ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए और थोड़ा सा गैप होना चाहिए। बैठाने से पहले पहला स्टेप है कि माँ को बात करेंगे कि बच्चे के बारे में सोचेंगे, क्यों, क्योंकि जब बच्चे के बारे में सोचती है हमारा क्या हो, प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा यानी जो दूध बनाती है वो ज़्यादा बनता है और नीचे के लिए करने के लिए ऑक्सीटोसिन सेक्रेट करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला स्टेप है कि हम इन दोनों माथे से ऐसे एक ऊपर एक ऐसे करेंगे, एक ऊपर एक ऐसे करने के बाद जो हमारा सामने स्कूल है उसमें हम माँ के हाथ को ऐसे रखेंगे, माँ के सर को इस हाथ के ऊपर ऐसे रखेंगे और इसके बाद माँ ने जो कपड़े पहने हुए उसको खोल देंगे, दोनों इस तरह नीचे की तरफ लटक जाए यानी कि हैंग करने लगे। इसके बाद बीच में रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन है इसको छोड़ते हुए जस्ट बगल में दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और एक हाथ ऐसे रख करेंगे नीचे, एक हाथ ऐसे, ये कमर तक हम लेकर के नीचे की ओर जाएंगे। इसको हम करेंगे 2 मिनट तक। दूसरा स्टेप है कि हम ऐसे थंब बनाएंगे और थंब बनाते हुए एंटी हड्डी को छोड़ते हुए बगल में ऐसे रखेंगे और हल्का सा क्लॉक यानी कि एंटी क्लॉक करते हुए घड़ी की सुई जैसे घूमती ऐसे गोल गोल घुमाते हुए वहीं पे दबाएंगे और नीचे यानी कि सफाई। देखिए आज विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया, ये हम लोग अगस्त के प्रथम माह में मनाते हैं। माँ का प्रथम दूध जो होता है वो अमृत होता है और इसी की जागरूकता बढ़ाने के लिए समस्त माताओं को यहाँ जिला महिला चिकित्सालय में गोष्ठी की गई और माँ के प्रथम दूध से बच्चे में क्या फ़ायदे होते हैं, माँ को क्या फ़ायदे होते हैं, इस पर गोष्ठी की गई। इसी विषय में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर की समस्त माताओं से यही अनुरोध करूंगा कि बच्चा पैदा होने के 1 घंटे के अंदर अपना दूध अवश्य पिलाएं और 6 माह तक अपना दूध पिलाएं। किसी भी माँ में कम दूध नहीं होता है, माँ का दूध बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे को अपना दूध पिलाएंगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा दूध का स्राव होगा और आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। भारत सरकार के पोर्टल पर किसान सम्मान निधि का डाटा कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के माध्यम से वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि लेखपाल गांव-गांव जाकर किसानों के नाम से डाटा संख्या और जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी किसान अपने लेखपाल से संपर्क कर लें और अपने खतौनी में डाटा संख्या दिखा दें। अगर आप किसान हैं तो किसान सम्मान निधि जारी रहेगी और लेखपाल अपडेट करेंगे, यह कार्य 10 अगस्त तक जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम गोरखपुर हूं। आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि किसान सम्मान निधि का जो डेटा है भारत सरकार के पोर्टल पे कृषि विभाग और राजस्व विभाग के माध्यम से उसका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। हमारे लेखपाल साहबान गांव-गांव जा करके और आप जो किसान बंधु हैं आपके नाम से आपका डाटा संख्या और अन्य इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट की जा रही हैं। मेरा अनुरोध है यदि आपको ये वीडियो या मेरा ये संदेश प्राप्त हो रहा हो आप अपने लेखपाल से संपर्क कर लें और अपने किसान होने का प्रमाण पत्र अर्थात आप अपनी खतौनी में अपना डाटा दिखा दें। यदि आप किसान हैं तो आपकी जो किसान सम्मान निधि है वो कंटिन्यू करेगी और लेखपाल उसे अपडेट कर देगा। यदि वो अपडेटेड नहीं होगा तो हो सकता है कि किसान सम्मान निधि एक बार रुक जाए आपकी और दोबारा आपको उसके लिए प्रार्थना पत्र देना पड़े। अभी ये कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और आप अपने लेखपाल को संपर्क कर उसे अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करा दें। ये कार्य हमारा अधिकतम 10 तारीख तक समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
जनपद के पुलिस ऑफिस कार्यालय पुराने आरटीओ कार्यालय में शिफ्ट हुआ, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जनपद गोरखपुर का पुलिस ऑफिस कार्यालय अभी तक कलेक्ट्री कचहरी से चलता आ रहा था, जिसको कुछ समय के लिए पुराने आरटीओ कार्यालय में स्थापित किया गया है, जिससे फरियादियों को किसी तरह का समस्या ना हो, क्योंकि पुराने पुलिस ऑफिस कार्यालय की नई बिल्डिंग बनने जा रही है। नई बिल्डिंग बनने तक पुलिस ऑफिस कार्यालय पुराने आरटीओ कार्यालय से ही संचालित होगा। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी नागरिक पुराने आरटीओ कार्यालय आकर अधिकारियों से अपनी समस्या को बता सकता है, उनके समस्या का 100% समाधान किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर का पुलिस कार्यालय जो कि आज तक कचहरी से चलता आ रहा है वर्षों से, उसको अभी पुराने आरटीओ कार्यालय में कुछ समय के लिए वहाँ स्थापित किया गया है, ताकि लोगों को कोई समस्या नहीं हो। नई बिल्डिंग बनने तक वह पुराने आरटीओ कार्यालय से ही संचालित होगा। पुराना आरटीओ कार्यालय डीएम आवास के सामने स्थित है, एवं आम जनमानस से मैं ये अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि किसी प्रकार की परेशानी होने पर आप पुराने आरटीओ कार्यालय में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संबंधित जितनी प्रकार की अपनी समस्याएं हैं वहाँ पे आप अपना आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद। जनपद में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नौकायन पर 1,00,000 लोग एक साथ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाएंगे, जिसके संबंध में जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ है कि हर घर तिरंगा फहराया जाए, जिसको देखते हुए एक भव्य कार्यक्रम नौकायन पर जीडीए आयोजित करने जा रहा है, जिसमें 1,00,000 लोग एक हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाएंगे, जिसमें शामिल होने के लिए शहर के इंजीनियर कॉलेज, डीडीयू विश्वविद्यालय और यूथ को बुलाया गया है। इसके अलावा जिले के सभी सांसद और विधायक भी आएंगे, जिसमें मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत गायन है, जो कि लोगों को पसंद आएगा। उन्होंने कहा, भारत सरकार का हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जीडीए का एक महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसलिए मेरा सभी नागरिकों से अपील है कि अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए जिस तरह से भारत सरकार से और शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे, हर घर तिरंगा कार्यक्रम पूरे गोरखपुर शहर में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिविटीज़ वगैरह शुरू हो गई है, उसी क्रम में हम लोगों ने 15 अगस्त को बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं नौकायन क्षेत्र में, रामगढ़ ताल क्षेत्र में, जिसमें 1,00,000+ लोगों के आने की संभावना है। शहर के सभी लोगों को बुलाया गया है, खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यूथ, उन सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। सारे सांसद, विधायक, सभी लोग वहाँ पे आएंगे। वहाँ पे मुख्यतः दो ही कार्यक्रम है, एक राष्ट्रगान गाया जाएगा और एक राष्ट्रगीत गाया जाएगा। तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि लोगों को ये पसंद आएगा, और जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम भारत सरकार का चल रहा है, उसमें हम लोग का भी एक अमूल्य योगदान होगा। हाँ, सभी लोग पूरे, जैसे हम लोग का ये प्लानिंग है कि 1,00,000 व्यक्ति वहाँ पर आ जाए, उससे प्लस ही रहेंगे सभी लोग वहाँ पर। हम लोग माइक का अरेंजमेंट, सारी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं, उसको अच्छे से सजा भी रहे हैं, तो उसमें माइक में अनाउंसमेंट होगा, तो सभी लोग सावधान की मुद्रा में आ जाएंगे और सभी लोगों के हाथ में एक एक तिरंगा झंडा होगा और उसको पकड़ के सब लोग एक साथ ही राष्ट्रगान गाएंगे। नहीं, मेरा सभी से यही निवेदन रहेगा कि जो ये कार्यक्रम चल रहा है, सभी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाएँ, और साथ में जो हम लोग के जिला प्रशासन की तरफ से या गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से या अन्य विभागों की तरफ से तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें भी भाग लें और 15 अगस्त को शाम को 6 बजे नौकायन पे ज़रूर आएँ। मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा अनुभव उनको प्राप्त होगा कि वो जीवन में इसको भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में लगाए जनता दरबार, फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एम्स गोरखपुर में ऑडिटोरियम व नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। कहा, अपने क्षेत्र में कुछ नया करते रहने का प्रयास करें चिकित्सक, इनोवेशन और रिसर्च ही है योग्यता का आधार, सिर्फ डिग्री हासिल करना ही नहीं हो सकता है आपका उद्देश्य। पांचवी मुहर्रम का कड़ी सुरक्षा के बीच इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी अदनान फर्रुख अली शाह उर्फ मियां साहब के नेतृत्व में धूमधाम से निकाला गया शाही जुलूस। सभी धर्मों के लोगों के द्वारा फूल मालाओं व पुष्प वर्षा के साथ किया गया भव्य स्वागत। इमामबाड़ा स्टेट से निकलकर जुलूस बक्सीपुर अली नगर करबला मैदान सहित विभिन्न मोहल्ले से होते हुए वापस इमामबाड़ा स्टेट पर हुआ समाप्त। मियां साहब ने सभी को दिया धन्यवाद। गोरखपुर से युवाओं के सेवा योजन की नई व बड़ी लकीर खींच गए सीएम योगी। 121 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने लिया 20,000 से अधिक युवाओं का साक्षात्कार। 5,163 युवाओं को योग्यता के आधार पर मिली ऑन द स्पॉट नियुक्ति। मतदाता सूची में आधार नंबर दर्ज कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सभी अधिकारियों को किया निर्देशित। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम फाइनेंस ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा, मतदाता सूची में डुप्लीकेट नामों को हटाने के लिए है महत्वपूर्ण। इमामबाड़ा स्टेज का पांचवें मुहर्रम का शाह जुलूस कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल हुआ संपन्न। एसपी सिटी ने कहा, चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएससी व एसएसबी जवानों की लगाई गई थी ड्यूटी, जुलूस की ड्रोन से भी की गई निगरानी। विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत जिला महिला चिकित्सालय में एक दिवसीय गोष्ठी का किया गया आयोजन। सीएमओ ने कहा, जन्म के एक घंटे के भीतर मां का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए होता है वरदान, बच्चे को 6 माह तक मां का ही पिलाएं दूध। किसान सम्मान निधि का डाटा कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है वेरिफिकेशन। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, सभी किसान अपने लेखपाल से कर ले संपर्क, दिखाएं अपने खतौनी में डाटा संख्या, किसान है तो जारी रहेगी किसान सम्मान निधि। पुलिस ऑफिस कार्यालय कलेक्ट्रेट कचहरी से पुराने आरटीओ कार्यालय में हुआ शिफ्ट। एसपी सिटी ने कहा, कोई भी फरियादी पुराने आरटीओ कार्यालय में आकर अधिकारियों से बता सकता है अपनी समस्या, समस्या का होगा समाधान। और 1,00,000 लोग एक साथ हाथ में तिरंगा लेकर गाएंगे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। स्वतंत्रता दिवस पर नौकायन पर जीडीए के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का किया जा रहा है आयोजन। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।